हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक क्रिसमस केक बना रही हूँ। ये मैंने वनीला केक लिया है, वनीला मैंने ये हाफ़ केजी का केक है, ये हाफ़ केजी का वनीला केक है और इसे मैं ऊपर का लेयर को कट कर दे रही हूँ। थोड़ा सा डोम शेप हो गया था तो इसे मैं इक्वल करने के लिए इसे मैं कट कर दी हूँ। इसे तीन लेयर में इसे कट कर रही हूँ, इसे तीन लेयर में कट कर दी हूँ। इसे मैं शुगर सिरप से इसे सोक कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से भी सोक कर सकते हैं, केक को सोक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने व्हिप क्रीम को पहले से व्हिप करके रखा था, उसे फर्स्ट लेयर लगा रही हूँ। ये मैं बहुत सिंपल सा ये क्रिसमस के ओकेजन पे मैंने ये क्रिसमस केक बना रही हूँ अभी। और मैंने इसमें क्रश लिया है, ये पाइनएप्पल क्रश लिया है मैंने इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार चेंज कर सकते हैं, आपको जो फ्लेवर पसंद है। अब मैं फर्स्ट लेयर को उसे फोल्ड करके मैंने इसे रखा है ताकि इससे इस केक का हाइट भी बढ़ता है। और अब मैंने इसमें क्रीम को इसे फिल कर रही हूँ ताकि हम लोग जो ऊपर का लेयर को रखे थे तो बीच में गैप है तो उसे कवर करने के लिए केक की हाइट, ऐसे अगर आप बनाएंगे सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर को अगर बीच में लगा के तो केक की हाइट अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब मैंने फिर से मैं शुगर सिरप से इसे सोक कर रही हूँ। मैंने व्हिप क्रीम को पहले से व्हिप करके रखा था, ऐसे तो मैं व्हिप क्रीम की रेसिपी भी इसमें डाल दूंगी। नॉर्मल सा केक है और सिंपल सा ही डेकोरेशन करूँगी। मैंने इसमें क्रिसमस ट्री को, क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मैंने इसे चॉकलेट का एक ट्री बनाया है और मैं उसे उस वीडियो को मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। बस मैंने वाइट चॉकलेट लिया है, उसमें ग्रीन कलर बन ऐड करके उसे मैंने उसका ट्री बना के उसमें मैंने सिल्वर बॉल्स वगैरह, गोल्डन बॉल्स वगैरह डाल के, आप अभी ठंड के दिन है तो वैसे ही जम जाता है, बस उसे निकाल के मैंने इसमें, आपको आगे आप देख सकेंगे वो डिज़ाइन को, पर मैं इसमें वीडियो को ऐड नहीं कर पाई हूँ तो शायद आपको नहीं बता पाऊँगी वो ट्री मैंने कैसे बनाया, नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मैंने क्रिसमस ट्री को ऐसे बनाया है। आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आजकल मिल जाता है आपको, आप चाहे तो उसे ऐसे भी लगा सकते हैं। बस मैंने इसे व्हिप क्रीम से अच्छा सा कोट कर दिया है। एक्स्ट्रा क्रीम निकाल रही हूँ मैं साइड से पूरा। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी आगे। बस इसे मैं केक बोर्ड में शिफ्ट कर दूँगी। बस मैंने ये इसे हल्का से इसे बस ऐसे टैप किया है केक को, मैंने इसमें कोई सा डिज़ाइन नहीं डाला, बस ये बस ऐसे लेके मैंने इसे स्पैचुला से मैंने इसे हल्का से ऐसे टैप कर रही हूँ। आप स्पून से कर सकते हैं, फोक से कर सकते हैं, बस ये एक सिंपल सा बहुत अच्छा दिखता है, सिंपल और सोबर डिज़ाइन है। मैंने ऊपर में भी, ऊपर साइड में भी ऐसे ही कर दिया, सब तरफ से केक को ऐसे ही करके डेकोरेट कर दी हूँ। अब मैंने रेड जेल कलर यूज़ किया है व्हिप क्रीम में, बस मैं उससे डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब डिज़ाइन चाहे तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे सिंपल सा बनाना था ये केक तो मैंने इसमें ये डिज़ाइन यूज़ किया है। देखिए वाइट में रेड कलर कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैंने ये स्टार बना रही हूँ मैं इसमें, व्हाइट के ऊपर स्टार उतना क्लियर नहीं दिख रहा पर ये स्टार है, मैंने इसे स्टार
बनाया है ऐसे। ये क्रिसमस है तो क्रिसमस केक है तो इसमें स्टार और क्रिसमस ट्री होना बहुत ज़रूरी है। मैं नीचे भी स्टार बना रही हूँ ग्रीन से। स्टार बना के मैंने इसे ऊपर एक डिज़ाइन दिया है, ऊपर स्टार को बना के ऊपर तरफ मैंने इसे खींचा है तो ये एक अलग सा डिज़ाइन बना है। ये बस ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा ग्रीन, मुझे ग्रीन ज़्यादा दिखाना है इसमें तो मैंने ऊपर ग्रीन से भी एक डिज़ाइन बना दिया है। बस इसके ऊपर मैंने जो चॉकलेट का जो क्रिसमस ट्री बनाया था उसे मैं इसमें डेकोरेट कर दूँगी। वो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई हूँ। ये देखिए ये वाला है डेकोरेट की हूँ मैं जो क्रिसमस ट्री। देखिए इसे मैंने कट किया है। केक कंप्लीट हो गया। आप लोग ज़रूर बना के इसे एक बार ट्राई करिएगा।